लोकसभा चुनाव से पहले फोन पर धमकी मिलने के बाद जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने रविवार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढुल्लू महतो पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो जैसे प्रत्याशी को हराने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन देती है तो सरयू राय धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सरयू राय ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और धनबाद से लोकसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस शख्स पर 49 केस दर्ज है, इसमें हत्या की कोशिश के भी कई मामले शामिल है। आर्म्स एक्ट के 15 मामले दर्ज है तो 13 से अधिक मामले लूट और रंगदारी के जुड़े हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ बने 27 दलों के गठबंधन इंडिया को नसीहत दी है। कहा कि वह किसी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को चुनाव में समर्थन दे जो ढुल्लू महतो को पराजित कर सके। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम से बात की है, अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार है तो वह धनबाद से ढुल्लू महतो को हराने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और जो उम्मीदवार योग्य ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसको भाजपा ने दिया है, जब आज भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा। इतनी ही बात आप लोगों के बीच में मुझे कहनी थी। अखबारों की कतरने देखेंगे तो 100 से अधिक कतरने हम लोगों के पास हैं जो इनकी योग्यता का बखान करती है और ये क्या करते रहते हैं अपने क्षेत्र में उनका बखान करती है। BCCL के 5 एरिया इनके क्षेत्र में, नंबर 1 टू नंबर 5, जो कोई भी वहाँ अगर एक टन पर 1200 रुपये की रंगदारी नहीं देगा तो BCCL का DO मिलने के बाद भी वह कोयला वहाँ से उठा नहीं सकेगा। 2018 में वहाँ जो हार्डकोर का भट्ठा चलाने वाले हैं, उन्होंने आंदोलन किया था, हम लोगों की सरकार थी, मुख्यमंत्री तक आए थे, कुछ हुआ नहीं। वहाँ के मजदूरों का सवाल उठा, विधानसभा की में ध्यानाकर्षण आया, ध्यानाकर्षण समिति ने धनबाद के SPTC को भी बुलाया और श्रम विभाग के सेक्रेटरी को भी बुलाया। उसमें बातें हुई कि मजदूरों को रंगदारी देनी पड़ती है, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। तो उसके बाद उपायुक्त के की एक कमेटी ने 2018 में अपनी रिपोर्ट दिया, उसका मर्म संक्षेप में इतना ही है। उस रिपोर्ट में कहा कि जो भी मजदूर वहाँ कोयला लाते हैं सबका अकाउंट खोल दीजिए बैंक में, या उन लोगों की कोऑपरेटिव बना दीजिए, सीधे पैसा जो जाना है वह उनके अकाउंट में जाए। निर्णय हुआ, आदेश निकला, आदेश 2018-19 से आज तक लागू नहीं हुआ। तो उसी तरह से 1 से 5 में रंगदारी चल रही है। प्रतिवेदन आप देखेंगे, उसको तो मैंने दिया नहीं है पूरा, उसका लिस्ट दिया है मेरे पास है, मैं भेज दूँगा सबको। तो जो जिनकी इतनी योग्यता है, इस योग्यता के आधार पर भाजपा ने उनको संसद में जाने के लिए चुना है और चुना है, वहाँ विरोध हो रहा है, तो उस विरोध का जवाब दुबई में बैठकर प्रिंस खान दे रहे हैं। प्रिंस खान का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रिंस खान का उत्पाद धनबाद में साल भर पहले इतना अधिक बढ़ गया कि हर व्यवसायी के पास उनका व्हाट्सएप कॉल या फेस टाइम कॉल आता था और रंगदारी मांगते थे, और जो नहीं देता था उस पर गोली चल जाती थी। ऐसे गोली चलने वालों के घर भी मैं गया था, कृष्णा अग्रवाल इसके खिलाफ में अनशन पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी उनके यहाँ गया नहीं। मैं 2 दिन के बाद गया, मुख्य सचिव से बात कराया और तय हुआ कि ये सरकार केंद्र की सरकार को लिखेगी कि आप प्रिंस खान जो दुबई भाग गया है टूरिस्ट वीसा लेकर यहाँ से, उसका प्रत्यावर्तन कराइए। और मैंने वह कागज आपको दे दिया है, मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब जो सरकार ने दिया है वह कागज़ मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया है, जिसमें यहाँ की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने भारत की सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है, ये कहा है कि इसको वापस बुलाइए, इसका पासपोर्ट कैंसिल कराइए। 6 महीना हो गया, भारत सरकार ने क्या कार्रवाई किया है जरा भाजपा के
नेताओं को गृहमंत्री से पूछना चाहिए, और नहीं किया है तो क्या प्रिंस खान का उपयोग इस लोकसभा चुनाव में करने की इच्छा है भाजपा के स्थानीय नेताओं के यहाँ पर, इसलिए प्रिंस खान बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। तो प्रिंस खान ने जो कल चुनौती दी है, मैं धमकी नहीं मानता हूँ, चुनौती मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं भी अब जी जान से इसमें लग जाऊँगा कि हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्ता लगाकर भारत की सरकार प्रिंस खान को दुबई से बुलाए, और इसके जितने गुर्गों पर कार्रवाई इन्होंने अभी तक किया है उसके बाद जो बचे हुए हैं सभी गुर्गों पर कार्रवाई करें। मैं चुनाव आयोग से ही बात करूंगा, नहीं तो धनबाद में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी धमकी अलग, उसके सहयोगी प्रिंस खान की धमकी अलग, और प्रिंस खान के साथ इनकी जेल में रहने के दौरान की दोस्ती है। उस पर 2004 में एक जिंक कंपनी का स्क्रैप उठाने के मामले में प्रिंस खान के गुर्गों के साथ इनके छोटे भाई पर भी मुकदमा हुआ है। तो इनकी दोस्ती, इनकी मित्रता, इनका साथ प्रिंस खान से पुराना है, जेल का भी है, जेल के बाहर का है, 6-7 साल का है। तो दो धमकी देने वाले चुनाव में रहेंगे तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, ये सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और भारत की सरकार चुनाव के बीच में ही दुबई से प्रत्यार्पण की संधि है भारत की सरकार की, वो संधि के आधार पर उसको मंगवाए बुलवाए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।